कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चार अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने चार अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की है, जिनकी पहचान ब्रह्मदेव यादव पुत्र सुदेश यादव, दूसरा विकास यादव पुत्र रामकृपाल यादव, तीसरा शैलेश यादव पुत्र महेश यादव, चौथा मनीष कुमार यादव पुत्र दीपचंद यादव, निवासी गण ग्राम इंदरपुर थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि चारों अभियुक्तों ने एक साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिनके ऊपर जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के द्वारा संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14/11/2022 को थाना कैंपियरगंज में एक सामूहिक बलात्कार के मामले में चार अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इन चारों अभियुक्तों ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। ये चारों अभियुक्त जेल में हैं और इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, जिसमें कि संपत्ति जब्तीकरण व अन्य कार्रवाइयां भी आगे साक्ष्यों के आधार पर की जाएंगी।